ने कौनी मारी देख दो छुट्टी बैठी है। ना भी पहना हो तो भी दौड़ा चला जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर गांव से कितने लोग हैं? सभी कनेक्टेड हैं, जो नहीं भी रहते फिर भी जुड़े हुए हैं ना। गांव का बचपन कितने ने देखा है? बहुत ने। गांव का बचपन और शहर का बचपन अलग होता है, अब बहुत डिफरेंस होता है। गांव के बच्चे को किसी काम के लिए भेजो, भागता हुआ जाएगा। शहर के बच्चे को किसी काम के लिए भेजो, आराम से चलता हुआ जाएगा। देखो गांव के बच्चे को या शहर के बच्चे को 100 का नोट दे के भेज दो तो भी मंदे मंदे जाएगा आराम आराम से। गांव के बच्चे को ये भी कह दो ना, फेल हो गया अपना रिजल्ट लिया, दौड़ता हुआ जाएगा। गांव का बच्चा कभी चलता ही नहीं नोट करा होता, हमेशा दौड़ के जाता है, अलग ही करंट रहता है उसके पास। अच्छा गांव के बच्चे में एक बात और होती है और शहर के बच्चे में डिफरेंस होता है। शहर के बच्चे सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कपड़े के मामले में, बोलने के मामले में, रहने के मामले में, है ना। गांव का बच्चा नाड़ा पकड़ेगा और दौड़ा चला जाएगा, ना भी पहना हो तो भी दौड़ा चला जाएगा। और जितनी तेज उसकी टांगे चलती हैं उससे ज्यादा तेज उसकी नुन्नो पुन्नो हिलती है, बेधड़क कॉन्फिडेंस बहुत टॉप होता है। गांव के बच्चे में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, एक बार गांव का बच्चा शहर में आया अपने रिलेटिव के यहाँ, वहां एक आदमी कान खोजा रहा था, होगा किसी टेंशन में, अक्सर कान चाबी से खो जाते हैं। धीरे से जाके उनसे पूछा, अंकल जी स्टार्ट ना हो रहे हो तो धक्का लगाओ। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वहां प्राइमरी स्कूल होते हैं गांव के बीचों बीच, तो जब कोई डेथ हो जाती है तो वो बंद कर देते हैं, आज भी ऐसा होता है। तो दो बच्चे जा रहे थे अपनी मस्ती में, तो वहां दो बुड्ढे बैठ के हुक्का पी रहे थे, बिल्कुल कुरकुले से, आप समझ सकते हो, हड्डी हड्डी दिख रही थी। तो एक ने कौनी मारी देख दो छुट्टी बैठी है। स्कूल से याद आया, गांव में एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलता है जहां उनको पढ़ाया जाता है जो कि अपनी पढ़ाई मिस कर चुके हैं और शुरू से ही पढ़ाते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं उनको। तो पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है, ABCD सिखा रहे थे। ए फॉर अंगद की बीवी, बी फॉर बबलू की बीवी, एम फॉर मंगलू की बीवी, एम तक पढ़ाया। इतने में इंस्पेक्शन आ गई गवर्नमेंट की तरफ से चेक करने के लिए, बच्चे से पूछ लिया, W लिख दिया, ये क्या है? वो बच्चे ही थे उनके लिए बुड्ढे बुड्ढे से, लगता मंगू की बीवी रही है पर इसने टांग क्यों उठा रखी है। गांव के आदमियों में जो कॉन्फिडेंस होता है वो इसलिए ज्यादा होता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप समझ सकते हैं, गांव में स्ट्रेस फ्री होता है इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है। तो जो वहां पे इनोवेशन होती है वो भी अच्छी होती है। एक चीज होती है जुगाड़, देखा है आपने, बहुत अच्छा होता है, उसमें RC की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक कमी है, ब्रेक नहीं होते। तो ड्राइवर साहब जब चलाते हैं तो मुंह से हटाते रहते लोगों को, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है, नाम किसी का पता नहीं होता, ओ पहलवान आगे से हट जा, ओ जुल्फी आगे से हट जा, ओ भिजमा पेंट आगे से हट जा। फाइनली जब पूरे गांव के चक्कर दिन भर लगाते रहता है, आखिरी में एक भीत में टक्कर मार के वो रोकनी पड़ती है, भीत मतलब दीवार, वो वहां जाके रुकती है। अच्छा नाम कैसे पढ़ते है गांव में बच्चों के? नाम मंगल में पैदा हुआ मंगलू, बुद्ध में पैदा हुआ बुद्धू। बड़ों के नाम भी ऐसे पढ़ते हैं, हमारे एक मामा जी हैं, उन्होंने एक बार पुलिस भर्ती का पेपर दे दिया, जब से वो हैं दरोगा जी, उन्हें सब दरोगा जी बोलते हैं। एक ने 12वीं में साइंस ले ली थी, साइंटिस्ट, वो जब से साइंटिस्ट ही हैं।